सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है पेटीएम। पेटीएम के बारे में आज हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि हर जगह पेटीएम पेटीएम दिख तो रहा है, बट क्या ये प्रॉफिट में बदल रहा है या नहीं, ये सब जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो पेटीएम आजकल हर जगह है। आपने किसी को पेमेंट करनी है, पेटीएम है। मर्चेंट है, आपने किसी से पेमेंट रिसीव करनी है तो पेमेंट गेटवे का सोल्यूशन देता है पेटीएम। आपने गोल्ड लेना है, डिजिटल गोल्ड लेना है, पेटीएम आपको देता है। इंश्योरेंस लेना है, पेटीएम आपको देता है। म्यूचुअल फंड लेना है, पेटीएम आपको देता है। बिजली का बिल जमा कराना पेटीएम है। आपने अपनी कॉलेज की फीस जमा करानी है, पेटीएम है। क्रेडिट कार्ड, पिछले हफ्ते तो क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया पेटीएम ने, तो पेटीएम का क्रेडिट कार्ड भी है। क्रेडिट स्कोर भी पेटीएम बताता है आपको। बिजली का बिल, पानी का बिल, ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं है जिसमें पेटीएम नहीं घुसा। अब तो डील्स भी बेचने लग गया, जोमेटो के साथ फूड ऑर्डरिंग के लिए भी टाइप कर लिया पेटीएम ने। तो पेटीएम हर जगह है, बट क्या ये प्रॉफिट में बदल रहा है या नहीं, तो आज का टॉपिक हमारा इस वीडियो का यही होने वाला है। हम जानेंगे पेटीएम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। हम जानेंगे कि पेटीएम क्या प्रॉफिट में है, क्या लॉस में है, अगर लॉस में है तो कितना लॉस में है। बट ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो चलते हैं पेटीएम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। तो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो 197 है, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको दिखाता हूँ। तो 2016, 17, 18 ये तीनों फाइनेंशियल ईयर की मेरे पास फिगर है। तो जो 2016 में उनका फाइनेंशियल ईयर में जो उनका रिवेन्यू था वो तकरीबन था 944 करोड़ रुपीज़। तो जो सारी फिगर्स हैं वो करोड़ में है। तो 944 करोड़ रुपीज़ का जो रिवेन्यू था, और उनके जो एक्सपेंस थे तकरीबन ढाई से तीन गुना एक्सपेंसेस थे उनके एज कंपेयर टू रिवेन्यू। और जो उनका नेट लॉस आया वो है तकरीबन 1534 करोड़। ये हो गया रिवेन्यू से डेढ़ गुना, मतलब उन्होंने अगर एक रुपया कमाया तो डेढ़ रुपया खोया। तो ये था उनका 2016 में। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा और एक्सपेंस लगाएं और प्रॉफिट आएंगे थोड़े कमिंग ईयर्स में। और 2018 में उन्होंने अपना जो स्ट्रेटजी थोड़ी धीरे करी और खर्चे भी कट डाउन किए, और खर्चे कट डाउन किए तो रिवेन्यू भी थोड़ा कम हो गया। तो जो 2017 में रिवेन्यू हुआ वो था 780 करोड़ पे, और जो एक्सपेंसिस थे वो 1961 करोड़ रुपीज़, और इसी हिसाब से उनका नेट लॉस हुआ 903 करोड़ रुपीज़। तो इसमें भी यही आ रहा है कि अगर एक रुपया उन्होंने अपना रिवेन्यू कमाया तो 1.20 पैसे लॉस हुआ। तो ये भी ईयर लॉस का था, बट लॉस रेशियो थोड़ी सी सुधरी, बट ईयर तो लॉस का ही था। अब आया 2018, जब डीमोनेटाइजेशन आया तो उनका रिवेन्यू वोपिंगली 4 से 4.5 गुना बढ़ा। तो हो गया वो 3,314 करोड़ रुपीस। तो 3,344 करोड़ रुपीस कमाने के लिए जो उन्होंने एक्सपेंस लगाए वो थे तकरीबन 4,884 करोड़ रुपीज़। और जो उनका नेट लॉस निकल के आया वो आया 1,606 करोड़ रुपीज़। बट यहाँ पे अच्छा ये था कि उनकी रिवेन्यू टू लॉस रेशियो सुधरी, मतलब एक रुपया कमाया तो आधा पैसा लॉस हुआ। मतलब जो पहले डेढ़ रुपये था पिछले साल 1.20 रुपये था, वो इस साल आधा पैसा रह गया। तो रेशियो सुधरी है बट लॉस तो बड़ा ही है। और अगर विजय शेखर शर्मा की माने तो 2022 तक कोई उम्मीद नहीं है प्रॉफिट की। उनका कहना है तक जब तक 500 मिलियन उनके मतलब यूज़र्स नहीं हो जाते तब तक उनको प्रॉफिट की कोई लालच नहीं है, और तब तक प्रॉफिट कमाया भी नहीं जा सकता। जो इसमें एक्सपेंसेस में जो मेजर पार्ट है वो है मार्केटिंग एक्सपेंसेस का। मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो 2017 में 708 करोड़ रुपीज़ थे, और जो 2018 में बढ़कर 1901 करोड़ रुपीज़ हो गई। इसके साथ साथ जो पेमेंट गेटवे चार्जेस भी इसी मतलब प्रोपोर्शनेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़े, जो 241 करोड़ थे 2017 में, और वो 2018 में फाइनेंशियल में बढ़ के 1204 करोड़ रुपये हो गए। इसी के साथ साथ मेरे पास है पेटीएम बैंक की भी फाइनेंशियल्स। तो पेटीएम बैंक फाइनेंशियल्स का भी यही हाल है, बट ये काफ़ी अच्छी पिक्चर्स है पेटीएम बैंक की। जो 2017 में लॉन्च हुआ फाइनेंशियल ईयर में, तो उनका रिवेन्यू तब था 2.47 करोड़ रुपये, जो मतलब स्टार्ट ही किए थे, और एक्सपेंसिस भी ज़्यादा थे, नेट लॉस भी ज़्यादा। तो पहला ईयर था तो उसको इतना जज नहीं करेंगे, बट जो फाइनेंशियल ईयर 2018 था उसमें उन्होंने कमाए 722 करोड़ रुपये। तो उस 722 करोड़ रुपये को कमाने के लिए उनको कितना खर्चा हुआ, 742 करोड़ रुपये। और जो नेट लॉस आया उनका वो आया
15 करोड़ रुपीस अप्रॉक्सीमेटली। और अगर रिवेन्यू से कंपेयर करें तो ये पे 197 से काफ़ी अच्छी सिचुएशन में। पेमेंट बैंक का एक ये भी है कि वो क्या होते हैं, अपने जो कस्टमर्स को है वो क्रेडिट पे पैसे दे के उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, उनको कोई और प्रोडक्ट का साधन लेना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। तो जो इंडिया में पेमेंट बैंक से पैसा कमाना है वो बहुत है मुश्किल। और इसमें भी जो टोटल एक्सपेंसेस है उसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस के खर्चे बहुत कम है, बट जो अदर एक्सपेंडिचर है वो 662 करोड़ रुपये का आ रहा है जो 2018 के फाइनेंशियल ईयर में, वो उसमें भी मैक्सिमम क्या है, पेमेंट गेटवे चार्जेस जो सीसी वेन्यू टाइप ऑफ कंपनीज को देते हैं अपनी साइट पे पेमेंट गेटवे मतलब पेमेंट सर्विसेज प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद जो अगला मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस है वो है पेटीएम मॉल की। जो पेटीएम मॉल भी 2017 फाइनेंशियल ईयर में शुरू हुआ था उसका रिवेन्यू तब था 7 करोड़ पे, एक्सपेंस था 21 करोड़ पे और नेट लॉस जो आ रहा था वो सिर्फ 14 करोड़ रुपये का आ रहा था। बट 2018 में 99% बड़ा 744 करोड़ हुआ और उसी रेशियो में एक्सपेंस भी बहुत तेजी से बढ़े, 2582 करोड़ रुपये के एक्सपेंस हुए और जो लॉस था वो था 1787 करोड़ रुपीज़। और जो सबसे ख़राब बात क्या हुई, जो इनके पास कैश रिजर्व बचे वो सिर्फ बढ़े 69 करोड़ रुपीज़ के। और उसी के बाद अलीबाबा ने कुछ फ्रेश फंडिंग डाली थी इसी कंपनी में, तो शायद उसके बाद सिचुएशन सुधरे और फाइनेंशियल ईयर 19 में उनके कैश बैलेंसेस भी बढ़ेंगे। और सुनने भी आया था पेटीएम शायद अपना पेटीएम मॉल बंद करे या कहीं बेच दे या उनका थोड़ा बिजनेस मॉडल चेंज करे क्योंकि कैशबैक वाला सिस्टम काम नहीं कर पा रहा। और जिस हिसाब की फंडिंग कंपनी के पास अवेलेबल है और कंपनी अभी जनरली प्रॉफिट की भी इच्छा नहीं करी, कंपनी तकरीबन 2022 तक रुकने को तैयार है फॉर प्रॉफिट। तो मेरी इस वीडियो का मकसद यही था, मैं बताना चाहता पेटीएम हर जगह दिख रहा है बट दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉफिट। अभी क्या मार्केट कैप्चर करनी है, इतना पैसा दबा के खर्च रहे हैं, कोई भी वॉलेट को उससे ऊपर आने नहीं दे रहे हैं और दबा के पैसे खर्च रहे हैं हर चीज़ में, हर जगह पेटीएम दिखाना चाहते हैं बट प्रॉफिट के लिए अब भी उन्हें बहुत वेट करना पड़ेगा। मेरी माने तो 2022 या 2024-25 तक भी तरीके से प्रॉफिट में नहीं आएंगे और फॉर शो पुराना जो पुराना लॉस है वो भी रिकवर करना है। तो मेरी इस वीडियो में इतना था, कोई अगर डाउट रहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए वीडियो को और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोज लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।